नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तार, आप देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और वो सभी प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। दिस इज ए ओरिजिनल साउंड वॉइस एम्पलीफायर एंड ये अमेजन में अवेलेबल है। इसका प्राइस है लगभग 2190 रुपए के आसपास, तो आप चाहे तो उसके अमेजन से ले सकते हैं। एंड पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का है, सभी चीज आई थिंक चाइनीज या फिर ऐसा कुछ लैंग्वेज में लिखा है। एंड उसके बाद आपको मिलता है ये वाला स्पीकर एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। यहाँ पर छोटा सा डिस्प्ले है, उसके बाद यहाँ पर एंटीना मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर FM रेडियो को भी सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस है, मोड है, ये सब चीज़ है। एंड यहाँ पर आपको एक माइक इन का सपोर्ट दिया गया है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है, USB दिया गया है, उससे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम को अप डाउन अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे ट्रेन्स या फिर बसेस में भी ये सब चीज़ देखते हैं, हॉकर जो लोग हैं वो लोग ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इवन टीचर्स लोग ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड वन। एंड यहाँ पर आपको एक USB टू टाइप सी केबल दिया गया इसको चार्ज करने के लिए। एंड फाइनली ये एक लैनियर्ड दिया गया, मतलब लैनियर्ड से आप इसको गले में टांग भी सकते हैं, टांगने के लिए पीछे यहाँ पर दो पोर्ट भी दिया गया है। इसको इजीली ऐसे पहन सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर ये जो माइक को हम लोग यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो जैक है, जैक ये इसके ऊपर ऐसे जाता है एंड इसको हम लोग ऐसे टर्न ऑन कर देते हैं। हेलो हेलो, तो टर्न ऑन करने के बाद ये वाला माइक ऑन हो गया है एंड विच इज लुकिंग प्रिटी गुड, काफी अच्छा लग रहा है, इवन इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पर मोड हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम फुल वॉल्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे रखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी बढ़िया लगा, एक्चुअली काफी यूजफुल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है क्योंकि इसको आप माइक के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद FM के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसके बाद आप चाहे तो ब्लूटूथ म्यूजिक या फिर कैराओके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर FM चल रहा है एंड FM के साथ साथ मैं यहाँ पर बात भी कर सकता हूँ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जस्ट कॉर्सिका की तरफ से एंड ये है आपका स्काई बिट्स एंड ये क्वाड माइक के साथ आता है, ANC या ENC। एंड इसका अगर प्राइस देखा जाए 2000 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। ये ब्रांड नया है, मैंने पहले इस ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, दिस इज फर्स्ट टाइम। एंड ओवरऑल यहाँ पर आपको एक लेदर पाउच में मिलता है ओर्थफोर्ट 99 रुपीज़, लेकिन जैसे मैंने बताया इसका प्राइस 2000 रुपये के आसपास है। हाईलाइटिंग फीचर है, लो लाइटेंसी मोड है विच इज 40 ms, 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर है, 10 मिनट चार्ज देके 150 मिनट तक आप प्ले बैक सुन सकते हैं एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एकदम लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड प्रोडक्ट यहाँ पर बोला गया ABS मटेरियल से। ओ वाओ, दिस इज कम्प्लीटली मैट फिनिश प्रोडक्ट, लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये देखने में। ऐसा पाउच मिलता है, दिस इज अ वेरी गुड एड ऑन, आई थिंक मुझे लगता है दूसरे ब्रांड्स को भी ऐसा करना चाहिए। तो पाउच के अंदर, पाउच जनरली हम लोग अलग से खरीदते हैं, तो पाउच के अंदर आप इसको ऐसे डाल सकते हैं, डालने के बाद इसको आप ऐसे टांग भी सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कैरेबिना दिया गया, दिस इज अ वेरी नाइस जेस्चर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट एक यूजर मैनुअल है एंड फाइनली आपको मिलता है USB टू टाइप सी केबल। नो डाउट यार, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी या फिर प्रेजेंटेशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड इट लुक्स रियली गुड। मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मैंने म्यूजिक थोड़ा बहुत सुना एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा बेस मिलता है, हल्का 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर है, जहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको लगभग 13 mm या फिर 14 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिल जाता है, बट स्टिल आई वुड से द साउंड क्वालिटी इज रियली गुड। और एक चीज़ इसका बहुत अच्छा है, दैट इज दी कनेक्टिविटी, यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी है, इसका मतलब ये है एक बार आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे एंड इंस्टेंटली वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता रहेगा। दैट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वर्क्स प्रीटी गुड एक्चुअली, जो क्वाड माइक है तो नॉइस कैंसिलेशन जो होता है दैट वर्क्स प्रीटी गुड। एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहते हैं आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, उनके खुद के वेबसाइट भी है, वहां पर भी आके आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट जी हाँ, ये वाला जो एड ऑन चीज है ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, दिस इज अ वेरी गुड एड ऑन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो बात करेंगे ये सेम ब्रांड का, ये एक 20 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है, यहाँ पर 20 वाट का पावरफुल आउटपुट मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, 8GB लाइट्स है एंड जस्ट कॉर्सिया ये जो ब्रांड है इसका नाम लिखा है। यहाँ पर 3 अलग अलग कलर वेरियंट अवेलेबल है, तो चलो जल्दी से पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे कनेक्टेड ब्लूटूथ, USB, टी फ्लैश कार्ड है, ऑक्स केबल है, FM रेडियो है, तो चलो जल्दी से इसको खोलते हैं बॉक्स के अंदर। और एक बॉक्स सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, उसके बाद आपको मिलता है द स्पीकर इटसेल्फ एंड यहाँ पर मिलता है मुझे लगता है कुछ एक्सेसरीज, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लैनियर्ड है एंड USB टाइप सी केबल है। इसका जो कॉम्पैक्टनेस है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, एज यू कैन सी काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड उसके साथ साथ साइड में यहाँ पर ना आपका एक रबरी फिनिश है, मतलब काफ़ी एक अच्छा ग्रिप मिलता है। पीछे यहाँ पर हूफर है, ये एक फिजिकल हूफर है एज यू कैन सी।
अगर ऊपर यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 9 and 0 यहाँ पर आपको डायलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग है, डिलीट है, नेक्स्ट प्रीवियस प्लस माइनस है, प्ले पॉज है, कॉल रिसीव एंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर बटन, यहाँ पर 8GB लाइट का ऑप्शन है, मोड का ऑप्शन है। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर H1 मतलब एक छोटा सा डिस्प्ले भी यहाँ पर आ जाता है। ओके, पावर ऑन हो गया है, ब्लूटूथ मोड है, उसके बाद है यहाँ पर FM मोड, ओके, उसके बाद यहाँ पर FM मोड है, तो अलग अलग मोड्स यहाँ पर ब्लूटूथ मोड है, एंड यहाँ पर पीछे 8GB लाइट्स है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू हैव। एंड इसको अगर आप खोलते हैं यहाँ पर यू विल गेट ऑल दी कनेक्टिविटी। यहाँ पर सबसे पहले जो दो ऑप्शन मिलता है विच इज हेडफोन का ऑप्शन है, उसके बाद ऑक्सिलरी का ऑप्शन दिया गया है, टाइप सी पोर्ट है, USB पोर्ट है एंड मेमोरी कार्ड है। मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको वायर्ड एंड वायरलेस सभी टाइप का यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलता है। यहाँ पर आपको एक पूरा बेस हूफर मिलता है एंड इट इज वाइब्रेटिंग, एज यू कैन सी ये वाइब्रेट कर रहा है। ओह वाओ, दिस इज नाइस यार। इसको हम नेक्स्ट कर सकते हैं एंड इसे वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, दिस इज नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। नो डाउट यार, इसका साउंड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी मेरे को बहुत बढ़िया लगा। 8GB लाइट्स है, वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर है, डिस्प्ले है एंड इसका जो कॉम्पैक्टनेस है मतलब ओवरऑल जो क्वालिटी है विच इज वेरी गुड। सो यू कैन कैरी इट एनीवेयर बिकॉज इट्स अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। 20W का आउटपुट मिलता है, बेस इसका बहुत अच्छा है, मैंने इनसी से एक दो म्यूजिक सुना विच इज वेरी गुड। तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं अराउंड 200-250 रुपए के नीचे, डेफिनेटली आप अगर एक अच्छा क्वालिटी का स्पीकर चाहते हैं इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने आज जो 3 प्रोडक्ट दिखा है उसमें से मुझे ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा। हालांकि तीनों प्रोडक्ट का पर्पस एकदम अलग है, एक मल्टीपर्पस कैराओके एंड माइक्रोफोन है, दूसरा है आपका एक ईयरबड्स एंड तीसरा है आपका इतना खूबसूरत एक स्पीकर। आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू डेटाडॉग। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज रोस्टर, मैं साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।